बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज सुबह सवेरे का वक्त है और अभी हमने चाय बना कर पी है, भैंस का दूध निकाला है, चाय बना कर पी है। एकदम से जो है ना बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी और मौसम रात को बिल्कुल साफ था और हमने सोच रहे थे कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के लिए मौसम साफ हो गया है, ज़मीनें भी खुश्क हो जाएंगी, जानवरों की जगह भी साफ़ हो जाएंगी, लेकिन पता ही नहीं चला एकदम से बारिश बरसना शुरू हो गई। तो अभी हमने सोचा है कि सुबह सुबह आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अभी जो है ना बारिश तो सुबह सुबह रुक गई थी, तो फिर बारिश थोड़ी ही देर के लिए आई थी, तकरीबन 15-20 मिनट तक बारिश आई है, फिर बारिश रुक गई। और अभी मौसम अभी भी देखा छांव वाला बना हुआ है, हर तरफ बादल बने हुए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, यकीन माने बस जब बारिश ख़त्म होती है बस छा जाती है, जब हवा ना गुले ना इतनी सख्त गर्मी होती है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम करना। और बारिश की वजह से ना बकरियां जो है देखे बंदर पर भी घास नहीं खा रही थी आज, तो मैंने सब बकरियों को ना छोटे छोटे उधर किले लगा के ना उधर बांध दिया है ताकि जो घास भी खाती रहें और मज़े से खड़ी भी। तो आज ना थोड़ा सा स्पेशल खाने का इंतज़ाम किया है और अदनान कुछ सामान लेकर आया है और अभी मैंने कहा अदनान को कि जब तक आप आग जलाएँ बाकी का सामान रेडी हो चुका है। और आज हम बना रहे हैं खीर और बच्चा ने फरमाइश की है कि आज हमने मीठा खाना है, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं आज आप लोगों को मीठा बना कर देते हैं क्योंकि बच्चे मीठा बहुत ही शौक से खाते हैं। तो अभी जो है ना हम बनाने वाले हैं खीर और खीर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे और खीर कैसी, क्योंकि खीर काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बनती है, एक ही जैसी नहीं होती। तो आज हम बना रहे हैं चावलों वाली खीर। अल्लाह ताला की का करम हुआ है, सब जानवर जो बीमार थे अल्लाह ताला की रहमत हुई है कि काफ़ी सारे बेहतर हो चुके हैं, बस एक गाय जो थी हमारी काफ़ी जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी और वो बिल्कुल घास भी नहीं खा रही थी, वो सामने आप लोगों को नज़र आ रही है ये देखें ये वाली। तो माशाल्लाह से आज इसका भी कुछ तबीयत अच्छी लग रही है, ये देखें थोड़ा थोड़ा घास भी खा रही है और पहले से सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है आज इसकी। तो बाकी जो है ना अल्लाह ताला का करम हुआ है, परेशान बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जानवर जो थे वो सब गाय और बछड़े थे, भैंस के 2-3 जानवर सारे थे, तो माशाल्लाह से अल्लाह का करम हो गया और हमारे सारे जानवर ठीक हो गए। ये देखें ये सबसे पहले इसको निकले थे बहुत ज़्यादा और अभी तक इसको निकलते भी हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं, ये देखें सामने। अलग कढ़ाया हुआ है अल्लाह ताला के करम है कि अभी तक ये बिल्कुल सेहतमंद है और इनको बीमारी नहीं लगी और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इनको बीमारी लगे भी ना, क्योंकि इसका दूध इस्तेमाल होता है और ये जो है ना अभी बच्चा देने वाली है, तो जो गाय बच्चा देने वाली होती है ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बचना भी उसका मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह से अभी सब सामान रेडी हमारा हो चुका है, चीनी, किशमिश, इलायची और गिरी और चावलों को हमने भिगो कर अभी रखा हुआ है और इसके अलावा जो है ना भैंस का दूध,
भैंस का दूध भी हमने इधर रखा हुआ है, ये देखें। इसको भी हमने उबाल के रखा हुआ है। सबसे पहले हमने चावलों को पानी में नरम होने के लिए डालना है, तो सबसे पहले चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं ना, तो उनको नरम होने के लिए अभी चूल्हे पर रखेंगे। आग हम अदनान ने पता नहीं जलाई भी है कि अदनान आग जल रही है, नहीं जलती, मुश्किल है। इधर देखो अदनान से आग नहीं जलाई जा रही, तो चले मैं चलकर फिर कोशिश करती हूँ आग जलाने की। जल गई है, जल गई है, जल गई है। चले भाई इसमें पानी डाल के इसको ऊपर रखते हैं। और इसमें डालेंगे 2 किलो पानी, 1 किलो चावल में हमने डालने हैं 2 किलो पानी। तो इस तरह से हमने गिरी छोटी छोटी काट लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े इसके करने हैं हमने। यकीन माने बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। तो अभी जो है ना मेरे ख्याल में पानी को उबाल आ चुका है, ये देखें। और हम इसमें डालते हैं अभी चावल। बिस्मिल्लाह। इसमें हमने चावल डाल दिए हैं और जैसे ही चावल तकरीबन आधे नरम होंगे फिर इसमें हम दूध डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ, चावलों के साथ साथ जो इलायची को हमने तोड़ के रखा हुआ है ना, तो ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ये चावलों के साथ साथ ये उबलती रहे और इसकी खुशबू जो है ना बहुत मज़े की फैल जाए पूरे चावलों में। हमने आग जलाई और आग इतनी ज्यादा आग जल गई ना, अब मेरे ख्याल में आग कम करनी पड़ेगी। तो इसमें से कुछ लकड़ियां हम निकाल लेते हैं फिर दोबारा से जला लेंगे। बस थोड़ी सी आग जलती रहनी चाहिए ताकि चावल जो है ना अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। अभी जो है ना मैं इधर खड़ी देख रही थी, वो मुर्गे को सामने देखे, वो उधर सामने देखे। अभी अंधेरा, वैसे बादल बने हुए हैं ना, छाँव हो गए, वो समझती है कि शाम हो चुकी है। तो वो सब के सामने ऊपर चढ़ गई है, बेर के ऊपर बैठी हुई है मज़े से। और हसीब, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को गांव का नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि बारिश के बाद गांव का नज़ारा बहुत मज़े का होता है। तो गंवार का जो कद है ना, मेरे कद से भी बड़ा हो गया है बारिश की वजह से ना, रोज बारिश होती है ना, और माशाल्लाह से बहुत लगा हुआ भी बहुत है। ये देखें, ये सामने, ये देखें कितना प्यारा प्यारा नरम नरम सा। लेकिन इसको जब तोड़ने लगते हैं ना, तो इतनी हाथों को ये लगता है ना, बहुत ही मुश्किल से इसको तोड़ा जाता है। अब इसके तोड़ने की मुश्किल होती है ना, तो इसी वजह से ज़्यादा पकाते ही नहीं है। और इस साल भुट्टे की बेलें जो हमने बोई थी, ये देखे, तो बारिशों की वजह से जो लगते भी है ना, वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उधर भुट्टे लगे हुए हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, दिखाऊँ चल के? चले कभी फिर तो कभी दिखाएंगे तो। लेकिन वो जो है ना ख़राब हो जाते हैं, खाने के काबिल नहीं होते। और वो सामने देखो, अभी सूरज जो है ना गरूब नहीं हुआ, और अभी होने वाला है सूरज गरूब थोड़ी ही देर में। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से हमारे चावल जो है ना वो नरम हो चुके हैं, ये देखें। और अभी इसमें हम डालते हैं दूध। से खीर जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है, और अभी हम इसको नीचे उतारते हैं।
बाकी जो है ना ये खीर सिर्फ हम तीन चार लोगों ने खाने नहीं खानी बल्कि सब फैमिली ने मिलकर खानी है, जो कैमरा के पीछे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त और फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और दुआ में याद रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।